महिला विरोधी मामलों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा सख्त कड़े कानून बनाए जाने के बावजूद इस तरह की हिरोनी वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला फतेहाबाद के भट्टू कला क्षेत्र से सामने आया है, जहां 15 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप की हिरोनी वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता की मां ने मामले की शिकायत महिला थाना पुलिस में दी है, जिसके बाद पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ अपहरण, रेप और जान से मारने की धमकी की धाराओं के तहत FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इस बारे में DSP जगदीश काजरा ने बताया कि आरोपियों ने रात के अंधेरे में नाबालिग को अगवा किया, जिसके बाद एक आरोपी ने नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया, जबकि दूसरा आरोपी बाहर खड़ा रखवाली करता रहा। ये भट्टू एरिया की बात है, वहाँ किसी लेडी ने महिला थाने में दरखास्त दी है कि उसकी लड़की जो 15 साल की है, घरेलू कार्य करती है, वो रात के समय पेशाब करने के लिए उठी थी और गेट के पास कोई दो लड़के थे, उन्होंने उसका मुंह दबोच कर खाली फ्लैट में ले जाके, और एक लड़के ने मुंह दबोच लिया और दूसरे ने उसके साथ गलत काम किया। इस पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और 164 वगैरह के बयान कराए जा रहे हैं, जिसमें तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो कितने युवकों पर आरोप है? इसमें दो युवकों पर आरोप लगे हैं। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर कोर्ट में 164 के बयान दर्ज करवाए हैं। DSP का कहना है कि दोनों आरोपी जल्द पुलिस हिरासत में होंगे। हिंद एक्सप्रेस के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोगा की रिपोर्ट।